गुड मॉर्निंग बच्चों, आप कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये आपकी इंग्लिश की क्रिस्टल बुक है, इसका आज चैप्टर यूज़ ऑफ दीज और दोज मैं आपको रिपीट करा रही हूँ। आपको कल मैम ने इसी का यही वाला लेसन पढ़ाया था। आप लास्ट टर्म में मैंने आपको दिस और दैट का यूज़ समझाया था, वो आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा और कर भी रहे होंगे। तो लेट स्टार्ट। दिस इज यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स विच आर नियर एंड दोज इज यूज टू पॉइंट आउट थिंग्स विच आर फार और एट ए डिस्टेंस। दिस और दोज यानी प्लूलर के लिए यूज करते हैं। दिस पास के लिए और दोज दूर के लिए। ओके, समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है। तो अब जैसे दीज आर बुक्स, अब बुक्स ये पास में है ना, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? टी एच ई एस ई, दीज। नेक्स्ट, दोज आर कैमल्स, कैमल्स यानी ऊंट। ये आपसे ये दूर है ना बच्चों, देखो इस लाइन से ये दूर है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? टी एच ओ एस ई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? टी एच ओ एस ई। नेक्स्ट, दीज आर ऑरेंजेस, ऑरेंजेस मीन्स संतरा, संतरे ये आपके पास में है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? दीज, टी एच ई एस ई, दीज। नेक्स्ट, दोज आर किटन्स, किटन्स मीन्स बिल्ली के बच्चे, ये दूर है ना, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दोज, टी एच ओ एस ई, दोज। नेक्स्ट, दीज आर चेयर्स, चेयर्स मीन्स क्या होती है बच्चों? कुर्सियाँ। तो हम और ये पास में है, तो पास के लिए क्या यूज़ करेंगे? दीज, टी एच ई एस ई, दीज। नेक्स्ट, दोज आर बकेट्स, बकेट्स मीन्स बाल्टी। अब ये बाल्टियाँ आपसे दूर है ना, बहुत सारी भी हैं और दूर भी हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? दोज, टी एच ओ एस ई, दोज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? दोज। नेक्स्ट, दीज आर बैग्स, ये पास में है ना, बैग्स मीन्स जो आप स्कूल में लेके आती हो, बुक्स और कॉपी रख के लाती हो ना, लंच बॉक्स बॉटल, वही बैग हैं ये, तो ये पास में है, तो हम पास के लिए क्या लिखते हैं? दीज, टी एच ई एस ई, दीज, दीज आर बैग्स। बच्चों, मैंने अभी आपको बुक से पढ़ाया था, अब मैं कुछ चीज़ों से आपको दीज और दोज का यूज समझाऊंगी। अब जैसे ये इरेजर है, शॉर्पनर है और कलर है, तो दीज आर इरेजर्स, ये बहुत सारी इरेजर्स हैं क्योंकि ये मेरे पास में हैं। दीज आर इरेजर्स, ये पास में हैं। दीज आर शॉर्पनर्स, ये मेरे पास में हैं। दीज आर कलर्स, ये मेरे पास में हैं। आपकी समझ में आ रहा है ना बच्चों? क्योंकि ये पास में रखी हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दीज, टी एच ई एस ई, दीज, दीज, दीज आर इरेजर्स, दीज आर शॉर्पनर्स, दीज आर कलर्स। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। ओके बच्चों, अब दोज का यूज़ समझाऊंगी। अब मेरे पास दूर है ना, ये दूर में इरेजर भी हैं, शॉर्पनर भी हैं और कलर्स भी हैं, क्योंकि ये मुझसे दूर हैं, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? दोज, टी एच ओ एस ई, दोज आर कलर्स, दोज आर इरेजर्स, दोज आर शार्पनर्स। आ रहा है ना बच्चों समझ में? अब मैं इसकी एक्सरसाइज करा रही हूँ, ठीक है बच्चों? बुक में करनी है ये, आपको बुक की एक्सरसाइज है, ये आपको बुक में ही करनी है। ओके बच्चों, आर क्रैप्स, क्रैप्स, आर क्रैप्स, और यहाँ पर है ब्लैंक स्पेस, तो आर क्रैप्स ये आपसे दूर है, क्रैप्स मीन्स केकड़े, ये आपसे दूर है, तो दूर के लिए हम क्या लिखेंगे? दोज, टी एच ओ एस ई, दोज, दोज आर क्रैप्स। अब टॉप्स, टॉप्स मीन्स क्या होता है? लट्टू, क्योंकि ये पास में है, पास में, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे खाली जगह में? टी एच ई
एस ई, दीज आर टॉप्स, टॉप्स मीन्स लट्टू। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है ना। आर बल्ब्स, बल्ब्स जो आपके घर में लाइट होती है ना, जलती है, मम्मी रात को जलाती हैं उसको क्या कहते हैं, लाइट में लाइट होती है ना, बल्ब जो लगे होते हैं बल्ब्स। और यहाँ पर है खाली ब्लैंक स्पेस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी एच ओ एस ई, दोज आर बल्ब्स। नेक्स्ट आर आउल्स, बहुत आउल्स मीन्स क्या होते हैं, उल्लू, क्योंकि ये आपके पास में है तो हम पास के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, दीज, टी एच ई एस ई, दीज, ये वाला दीज। नेक्स्ट आर बैक्स, क्योंकि ये दूर है ना आपसे, बैक्स दूर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, दूर के लिए क्या लिखते हैं, दोज, टी एच ओ एस ई, ये वाला दोज हम यहाँ लिखेंगे, टी एच ओ एस ई, दोज आर बैक्स। नेक्स्ट आर किटेंस, आर किटेंस, किटेंस मीन्स क्या होता है बच्चों, बिल्ली के बच्चे, तो ये पास में है ना आपके, तो पास के लिए हम क्या लिखते हैं, टी एच ई एस ई, दीज, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी एच ई एस ई, दीज, दीज आर किटेंस, किटेंस मीन्स बिल्ली के बच्चे। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा बच्चों। अब आप इसको, इसकी एक्सरसाइज पूरी करेंगे। ओके, थैंक यू।